यहाँ आपको बताएं कि कराची में टमाटर की सरकारी कीमत हवा में उड़ा दी गई है। इंतजामिया की जानिब से टमाटर फी किलो 265 रुपए मुकर्रर करने के बावजूद 350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम, दुकानदार अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, इस हवाले से अपने नुमाइंदे से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में टमाटर की सरकारी नरख जो है वो 265 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, ताहम जो लगने वाले बाजार हैं वहाँ पर टमाटर की कीमत 300 से ऊपर है। सैयद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जाएंगे। वसीम, बताएगा क्या सूरत हाल है, कैसी कीमत है? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की मशहूर मार्केट शहाबुद्दीन मार्केट में, जहाँ पर टमाटर के जो नरख हैं वो 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे हैं। जबकि आज ही हैरान कन बात यह है कि कमिश्नर कराची की जानिब से वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के निर्ख नामा भी जारी किया गया है, जो कि हफ्ते दो हफ्तों के बाद महीने के बाद भी जारी किया जाता है। और आज जो निर्ख नामा जारी हुआ है उसमें दर्जा अव्वल टमाटर जो है वो 265 रुपये, जबकि यहाँ पर 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर फरोख्त हो रहा है। शहरी जो है वो शदीद गमो गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीने का आगाज़ हो रहा है, नजर व न्याज का महीना है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुनाफा हो रही है वो उरूज पर पहुँच चुकी है। और यही होता है कि कोई भी त्यौहार हो और इस तरह का नजर व न्याज का महीना हो तो उसमें सब्जियों के जो निर्ख हैं वो मनमाने तौर पर जो है बढ़ा दिए जाते हैं और लोगों को जो है वो लूटा जा रहा होता है मार्केटों के अंदर। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जो टमाटर के निर्ख हैं सरकारी निर्ख जो हैं वो दर्जे अव्वल के 265 रुपए हैं, जबकि यहाँ पर 350 रुपए तक में टमाटर फरोख किया जा रहा है। जी,